ये स्लाइड वन में पिक्चर लो ना, आपने वीडियो ऑन की है? मैंने वो किसी वजह से ऑन की है। अच्छा, ये स्लाइड वन हो गई है, अभी इसको स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ है। वो तो बात डिफरेंस यार, ये काम बाद में कर दिए। बस हो गया यार, ये पे लाओ मत दो में। मैम ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। यस सर, ये मिक्स कौन से? ये मिक्स है, ठीक है। ये देखो, ये जो मैं बता रही थी ना तुम लोगों को, आ जाओ बॉयज। ये प्रोस्टेट है, ये सिंपल। ठीक है, जो ये जो तुम लोगों को बता रही थी ना, जो स्लाइड मिक्स है, ठीक है, वो ये वाली। इसमें क्या हमारे पास हाफ प्रोस्टेट है और ऊपर क्या है, स्माइनल वेसिकल है। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 की पावर पे रखें, गर्ल थोड़ा ऐसा बोलो यार, ठीक है, ये कि हमारे पास प्रोस्टेट है। ठीक है, अगर 10 की पावर पे रखेंगे ना, 10 की पावर पे और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, और इसी पे फोकस करेंगे अगर हमने प्रोस्टेट रखना हुआ। अगर इसी स्लाइड को हमें स्माइनल वेसिकल रखना हो तो प्रोस्टेट हटा देंगे इसको, स्माइनल वेसिकल। मैं कैसे पता लग रहा है वो स्माइनल है प्रोस्टेट है? पिक्चर में इतना मैंने क्या वो ने पिक्चर में क्या रहा मैम, पिक्चर से नहीं पता लग रहा। अभी तो बताया है मैंने कि जो ये आपको गोले नजर आ रहे हैं सारे प्रोस्टेटिक एसिनाए हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली शेप देखो, अलमीन आंखें दी हैं इसमें और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है जी? उसमें वो थोड़े वो आउट प्रोट्रूडिंग ज्यादा है अंदर की तरफ, ठीक है। सारे क्या है, म्यूकोजल फोल्ड्स है और ये नीचे सर्कुलर है। हाँ, ये म्यूकोजल फोल्ड्स किसमें है? स्माइनल वेसिकल में, और नीचे क्या है? प्रोस्टेट है, ट्यूबुलर एसिनाए। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोस्टेट। इसमें सारे प्रोस्टेटिक एसिनाए, ठीक है। एपिथीलियम बड़े गौर से देखोगे, ठीक है, कौन सी एपिथीलियम नजर आएगी? कोलमनर एपिथीलियम, ठीक है। और बीच में सारे क्या हमारे पास प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, और हाँ, एक और चीज़ जो मैं सॉरी बताना भूल गई, एक मेन चीज़ क्या होती है प्रोस्टेट को आइडेंटिफाई करने को, लाजमी लिखनी है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, ठीक है। तुम लोग भी नहीं बताते हो ना, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा बोला था आपने मैंने इनसे कहा, ठीक है। एक क्या होता है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, ये मेन चीज़ लिखनी है, ठीक है। प्रोस्टेट में है ना, प्रोस्टेट में फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। मैम एक पॉइंट इसका एपिथेलियम वाला आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा तुम लोगों को कहाँ नजर आएगा? जो सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो सारा पिंक से तुम लोगों को नजर आ रहा है ना, ये सारा क्या फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। हाँ, ये एसिनाए के बीच में, ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, ठीक है। बीच में प्रोस्टेटिक एसिनाए लाइन विद सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और बीच में क्या नजर आती है? प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो, बल्कि 4 हो गए। स्मूथ मसल फाइबर होते हैं वो नजर नहीं आते, लेकिन याद रखना कि स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाजो इस वाली को ये वाली करते हैं, ये कौन सी है? यह सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे अंदर, क्या है? ढेर सारे न्यूमरस म्यूकोजल फोल्ड्स, ठीक है। एपिथीलियम कौन सी होगी? थी अच्छी नहीं है, लेकिन कौन सी? सूडोस्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम, ठीक है। और क्या था इसके अंदर? म्यूकोजल फोल्ड एपिथीलियम, वो वाली इसमें नजर नहीं आ रही, मतलब ऐसी मैंने पिक्चर ली, इसमें नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी स्लाइड को नीचे करोगे तो नजर आएगा, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्ग, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, और क्या बच गया हमारे पास? ये, ठीक है, ये क्या हमारे पास? डक्टस स्टेप है, इसको यूरेटर से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। जो यूरेटर का ल्यूमेन था ना, वो याद है किस टाइप का था, ठीक है, थोड़ा सा जिसका लाइटनिंग नहीं होती, देखी होगी बिजली जिस तरह होती है, ठीक है, उस टाइप की तुम लोगों को नजर आ रही होगी। हाँ, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है, जो यूरेटर का होता है ना, और एक और चीज़ एपिथीलियम कौन सी होती है यूरेटर में? ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम में होते 4-5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, तुम लोगों को ढेर सारी लेयर्स नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूरिटर है, लेकिन वास्ट रेफरेंस में क्या नज़र आ रही है? सिर्फ एक लेयर नज़र आ रही है एपिथीलियम की, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसलिए तुम कन्फ्यूज, फिर ब्लॉक ही अलग है तो मैं क्या सर बताऊँ, ठीक है, वैसे समझाने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी एपिथीलियम? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम। और बीच में ये लाइट पिंक सा क्या है? लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब देखो, ये जो सारा पिंक सा आपको नजर आ रहा है, सारा क्या है? मस्कुलरिस एक्सटर्नल, ठीक है। अंदर कौन से होंगे? इनर लॉन्गिट्यूडनल, बीच में सर्कुलर, और बाहर फिर सारे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। समझ आ गई है? हो गया।
मैम वे के थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ हल्का सा, बस एक मिनट मैम। मैम ये जो स्लाइड थी ये प्रोस्टेट ग्लैंड की आ गई ना, और इसमें आपने पॉइंट बताया था एक आईडी पॉइंट, ये आ जाएगा फाइब्रो मस्कुलर, जो फाइब्रो कौन सा एक पॉइंट, फाइब्रो मस्कुलर स्ट्रोमा है एक आईडी पॉइंट, ये आ गया प्रोस्टेटिक एसिनाइन है, प्रोस्टेटिक एसिनाइन, प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस, प्रोस्टेटिक एसिनाइन सेकंड पॉइंट, एपिथेलियम कौन सी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल भी हो सकती है और सूडो स्ट्रेटिफाइड, और चौथा पॉइंट प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, चौथा पॉइंट है प्रोस्टेटिक सिक्रीशन। ये स्लाइड डन हो गई, बस इसमें ही पॉइंट है, इसमें कॉपी हाथ में लो। अच्छा बस ये है हमारे पास पास रेफरेंस, ठीक है, बीच में नैरो ल्यूमेन कह लो, ठीक है, एपिथेलियम है हमारे पास, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ठीक है, और जो ढेर सारा आपको पिंक पिंक से नजर आ रहा है वो सारा मस्कुलर स्ट्रेटा, और जो लाइट पिंक है वो लैमिना प्रोपिया, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेटा में वही हमारे पास इनर लॉन्गिट्यूडनल मिडिल सर्कुलर और बाइलैटरल। मैम ये जो आउटर जो है जितना पिंक है वो मस्कुलर एक्सटर्ना हो गया, ये सारा मस्कुलर एक्सटर्ना है, ये वाला है 26। अच्छा एक मिनट, हां ये वो जो वो आउटर मोस्ट ट्रायंगल टाइप जो थोड़ा बन रहा है, एडवेंटिशिया हो गया, मस्कुलर एक्सटर्ना हो गया, लैमिना प्रोपिया हो गया, और उसके लैमिना प्रोपिया के अंदर जो लेयर है वो कौन सी, क्या लेयर है, म्यूकोसा एपिथेलियम है, म्यूकोसल फोल्ड्स विद द स्टूडो स्टूडो, म्यूकोसल फोल्ड नहीं कहना, ठीक है, नैरो ल्यूमिन है, म्यूकोसल फोल्ड उसमें है, स्पाइनल वेसिकल, नैरो ल्यूमिन है, ठीक है, नैरो ल्यूमिन का स्टूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम है, तो शॉर्ट एक ऑडी पॉइंट नैरो ल्यूमिन, लैमिना प्रोपिया, नंबर 3 मस्कुलर एक्सटर्ना, नंबर 4 एडवेंटिशिया, ये भी स्लाइड ऑन हो गया। ठीक है, अच्छा ये स्पाइनल वेसिकल है, ठीक है, इसके अंदर ढेर सारे म्यूकोसल फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो अंदर और बाहरी तरफ इन वेसिकल्स हैं, ठीक है, म्यूकोसल फोल्ड्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट ये है, आपने कहा था इसके साथ लिखना है म्यूकोसल फोल्ड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इसमें ऐसे फोल्ड नजर आते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये नीचे वाली लेयर है, एडवेंटिशिया नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर वो मस्कुलर एक्सटर्ना की प्रॉपर लेयर्स ही नजर आ रही है। दूसरा पॉइंट मस्कुलर एक्सटर्ना और तीसरा पॉइंट एडवेंटिशिया, बस तो मैम ये तीन पॉइंट्स हैं, इसका कोई और पॉइंट नहीं बनेगा, नहीं, बस और बनता ही नहीं है, बस ठीक।